एंग्लो इंडियन न्यूज सच के तहत। दोस्तों नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। खबर आ रही शफीपुर उन्नाव से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निकाली गई एम्बुलेंस शोभा यात्रा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शफीपुर सीएससी प्रभारी डॉक्टर शरद वैश्य के नेतृत्व में बड़ी धूमधाम से निकाली गई एम्बुलेंस तिरंगा यात्रा, जहां पर सभी डॉक्टर्स और एम्बुलेंस चालक मौजूद रहे। दूसरी तरफ ट्रैक्टर किसान रैली के काफिले को पुलिस ने अटवा बैक गांव के पास रोक दिया। पूर्व मंत्री सुधीर रावत और समर्थकों से हुई पुलिस की नोकझोंक। लंबे जाम को देखते हुए पूर्व मंत्री बोले, पुलिस यह जाम लगाने का कारण। शांतिपूर्ण तरीके से तिरंगा यात्रा निकालने से आखिर क्यों रोक रही है पुलिस? पुलिस से हुई नोकझोंक के बाद पूर्व मंत्री ने कहा कि अपनी अपनी गाड़ियों से सभी समाजवादी कार्यकर्ता शफीपुर तक अवश्य जाएंगे। सैकड़ों की संख्या में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए समर्थक और गाड़ियों में तिरंगा लगाकर शफीपुर पहुंचे। शफीपुर उन्नाव से संवाददाता विपिन कुमार यादव की खास रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।